ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. आप इनसे कह दीजिए, उदउ लदीना, पुकारो उन माबूदों को, तो ये बनता है उदउ लदीना, पुकारो उनको, जाम तुम मिन दूनिही, जिनको तुम समझते हो, जाम तुम जिनको तुम समझते हो, मिन दूनिही अल्लाह के अलावा, यानी जिनको तुम समझते हो, क्या समझते हो, माबूद समझते हो। कुल आप इनसे कह दें, उदउ लदीना, पुकारो उन माबूदों को, अल्लज़ीना ज़अमतुम, जिनको तुम माबूद समझते हो, मिन दूनिही अल्लाह के अलावा, फला यम्लिकूना कशफ़ुर, बस वो नहीं मालिक होंगे, मालिक होने से मुराद यहाँ पर कुदरत होना, फला यम्लिकूना, बस वो नहीं कुदरत रखेंगे, कशफ़ुर अनकुम, तुमसे तकलीफ को, नुकसान को दूर करने का, कशफ जुर्र अनकुम, बस वो ताकत नहीं रखेंगे, कशफ जुर्री नुकसान को दूर करने की, अनकुम तुमसे, वला तहवीला और ना ही फेरने की ताकत रखेंगे। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जरिए से कहवा रहे हैं कि आप इन काफिरों से कहें, जरा ये जिनको अल्लाह के सिवा माबूद समझते हैं, आप इनसे कहें कि उन माबूदों से तुम अपनी मुश्किलात को दूर करने की दुआ मांगो, जिनको तुम अल्लाह के सिवा माबूद समझते हो, उनको उनसे ज़रा दुआ मांगो, उनसे कहो कि हमारी मुश्किलात को दूर कर दीजिए, ठीक। तो जब वो उसको पुकारेंगे, ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़लाह उनको कशफ़ ज़ुर्रियानकुम वला तहवीला, कि वो तुम्हारी परेशानी को दूर करने, तुम्हारी मुसीबत परेशानी उसको ज़रर को दूर करने की ताकत नहीं रखेंगे। वला तहवीला, हव्वला युहव्विल, तहवील का मतलब होता है फेर देना, रुख मोड़ देना, ठीक है। तो इसमें यानी कि तकलीफ मुशक्कत को तुमसे पलट कर किसी और की तरफ फेर दें या किसी और जो, तो समय लाइम लिखो ना कशफ़ुर्रियानकुम वला तहवीला, ना तो वो नुकसान को दूर करने की ताकत रखते हैं और ना ही वो तुमसे फेरने की ताकत रखते हैं। कशफ़ुर्र ये अरबी की असलाह है, जैसे हम मुश्किल कुशा, कुशा का लुगवी माना होता है खोलना, तो मुश्किल कुशाई का मतलब हम ये मंगा देते हैं कि किसी बंदे के ऊपर मुश्किल पड़ी हो तो कोई उसकी मुश्किल कुशा कर दे, उसकी मुश्किल खोल दे, इससे मुराद ये होता है कि उसकी मुश्किल दूर कर दे। इसी तरह कशफ का लुगवी माना जो है जाहिर करना होता है, ठीक है, लेकिन जब अरबी में ये कशफ जरूरी होता है तो काश, इसी तरह पाक में फला काश फलाह इल्ला हूँ, ठीक है, जिसको अल्लाह ताला ज़रर पहुंचाना चाहे तो फला काशिफ लहू, उसको दूर करने वाला कोई भी नहीं है, इल्लाहु सिवाय अल्लाह के। तो ये कशफ जुर जो है, ये इस्तलाह, ये मुहावरा अरबी में इस्तेमाल होता है तकलीफ को दूर करने के लिए, ठीक है, मुसीबत परेशानी को दूर करने के लिए। जैसे उर्दू में मुश्किल कुशाई का लफ्ज़ है ना, कुशा खोलने को कहते हैं, और अरबी में कशफ जाहिर करने को कहते हैं। तो कशफ जुर मुश्किल को दूर करना। उलिदउ लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनी, आप इनसे कह दिए, कह दीजिए उदउ लदीना ज़अमतुम मिन दूनी, पुकारो तो सही उनको, ज़अमतुम मिन दूनी, जिनको तुम अल्लाह के अलावा माबूद समझते हो, फला यम्लिकून कशफ़ ज़ुर्रि अनकुम, बस वो ताकत नहीं रखेंगे, कशफ़ ज़ुर्रि अनकुम, तुमसे तकलीफ को दूर करने की, वला तहवीला, और ना ही उसको फेरने की ताकत रखते हैं। उलाइकल लज़ीना यदउना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا أولئك الذين يدعون ये الذين يدعون जिनको वो पुकारते हैं, यानी ये माबूदान الذين يدعون जिनको वो पुकारते हैं, वो तो खुद يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون इला रब्बिहिमुल वसीलता, वो तो खुद तलाश करते हैं, यब्तगूना तलाश करना चाहना, दोनों माना उसमें, यब्तगूना इला रब्बिहिम, वो तो तलाश करते हैं, इला रब्बिहिम अपने रब की तरफ, अल वसीलता कोई वास्ता, यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता, वो तो खुद तलाश करते हैं अपने रब की तरफ, अल वसीलता वास्ता, ठीक,
कि उस वास्ते के जरिए अय्युहुम अक़रब वयरजून रहमतहु, अय्युहुम अक़रब कि उनमें से कौन ज़्यादा करीब हो अपने रब के, वयरजून रहमतहु व रहमतहु और उम्मीद करते हैं, यरजून उम्मीद करते हैं, रहमतहु अपने रब की रहमत की, वयखाफून अज़ाबा और डरते हैं अल्लाह के आज़ाब से, डरते हैं उसके आज़ाब से यानी अल्लाह के आज़ाब से। इन आज़ाब रब्बिका कान महदूरा, बेशक तेरे रब का आज़ाब कान महदूरा डरने की चीज़ है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा माबूद समझते हो तो उनको तो ज़रा, पिछली आयत में कहा उनको तो ज़रा कार के देखो क्या तुम्हारी तकलीफ वगैरह को दूर कर सकते हैं या नहीं। वो हकीकत तो ये है कि वो दूर नहीं कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर मज़ीद उनके मागूदा ने बातला के बुतलान को वाज़ करने के लिए फरमाया कि उन्होंने तुम्हारी क्या मुश्किल कुशाई करनी है, तुम्हारी क्या मुसीबत को दूर करना, वो तो खुद उल्टा अपने रब यानी अल्लाह की तरफ करीब होने का वसीला ढूंढते हैं और वो उनकी ये कोशिश होती है कि वो उनमें से कौन ज़्यादा अल्लाह के करीब हो जाए, ठीक है, और वो अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं और उसके आज़ाब से डरते हैं। यानी कि जिनको तुम अल्लाह के बजाय माबूद समझते हो उनका खुद का ये आलम है कि वो खुद भी अल्लाह को अपना माबूद समझते हैं और अल्लाह के कुर्ब का जो है ना वो बहाने उसको तरीके ढूंढते हैं कि किस तरीके से हम अल्लाह के करीब हो जाएं और वो अल्लाह की रहमत की उम्मीद करते हैं। तो जिनको तुम माबूद समझते हो उनका खुद का ये आलम है तो तुम्हें तो बतरीके वाला उस ज़ात की तरफ जो है वो रुजू करना चाहिए जो तमाम जहानों के खालिक है और उनकी भी खालिक है जिनको तुम माबूद समझते हो। अच्छा, उलमा ने लिखा है कि इस आयत में जो कहा जा रहा है ना यदाउन जो बयान की जा रही है इससे मुराद बुत नहीं है, ठीक है, इससे मुराद फरिश्ते और जिन्नात हैं। असल में अरब के अंदर मुख्तलिफ सारे जो कुफार मक्का थे या सारे अरब जो थे वो एक ही तरह का अकीदा नहीं रखते थे। मतलब ये जैसे हमने पीछे पढ़ा कि फरिश्ता को अल्लाह की बेटियाँ कहते थे, ये सारे के सारे नहीं थे कि जो अरब बेटियाँ कहते हो उनमें से कुछ थे। इसी तरह ये भी आपने पढ़ा होगा सीरत की किताबों में या वैसे आपने वाकयात बयानात में सुना होगा कि अरब अपनी बेटियों को जिंदा दरबार किया करते थे, तो ये भी सारे के सारे नहीं करते थे, अरब में से कुछ लोग थे जिनके अंदर ये चीज़ पाई जाती थी, ठीक है। और इसी तरह जो बाज़े जो कुफार थे, कुफार मतलब अहले अरब में से जो कुफार थे वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ जैसे कहा करते थे और उनको मुकद्दस भी समझते थे, और इसी तरह बाज़े जो थे वो जिन्नात को भी बड़ा अहम मकाम देते थे। बल्कि रिवायात में यहाँ तक भी आता है कि वो जो किसी बयाबान वगैरह में जंगल वगैरह में सफ़र करने के लिए जाते थे तो जो है ना वो उसमें कहते थे कि हम इस वादी का जो बड़ा सबसे जिन्न है ना उसकी पनाह में आते हैं ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो इस तरह के उनके नज़रियात जिन्नात वगैरह से मुताल्लिक, फरिश्तों वगैरह से मुताल्लिक मौजूद थे। अगरचे सारे के सारे अहले अरब का मुत्तफ़िका ये अकीदा तो नहीं था लेकिन कुछ कुछ लोगों का ये अकीदा मौजूद था। अच्छा, तो इसलिए चूंकि पुराने पाक का खिताब तो पूरा अरब था इसलिए अल्लाह ताला ने उन सब के जो भी मुख्तलिफ तबक़ात जो थे उनके जो अकायद बातिला थे उन सब का। तो आमतौर पर जब हम ये बात इस तरीके से पढ़ते हैं कि जी अरब जिंदा दौर गौर किया करते थे तो आमतौर पर जो हमारे जहन में तसव्वुर पैदा होता है वो ये तसव्वुर पैदा होता है कि सारे के सारे अरब ऐसे ही थे, पूरा जज़ीरा अरब इस गलती में मुबतला था, हालांकि पूरा जज़ीरा अरब इस गलती में मुबतला नहीं था लेकिन बाद लोग ये रस्म इख्तियार करते थे। तो तकरीबन कह दिया जाता है कि अरब ऐसे किया करते थे, अरब ऐसे किया करते थे, जैसे ऐसे हमारे माशरे की मिसाल के तौर पर देखें कि जैसे सिंध के अंदर जो है वो सत्ती की वगैरह का मामला होता है कि जो कहते हैं अगर झगड़े वगैरह निपटाने के लिए सिंध के अंदर एक जो रिवाज है कि अगर किसी ने आदमी ने किसी को कत्ल कर दिया सत्ती नहीं वन्नी करती हूँ, अगर एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी को कत्ल कर दिया है तो सिंध के अंदर ये भी एक कानून का फैसला है कि जो कातिल होता है उसकी बहन की या बेटी की शादी जो है वो मकतूल के भाई या बाप से करवा दी जाती है, इसको वन्नी करना कहते हैं। तो सिंध के अंदर ये रिवाज है। तो अब हम देखें पूरे सिंध के ऊपर इसका इतला करें, हालांकि सिंध के अंदर एक इतना बड़ा खत्ता है कराची हैदराबाद और पता नहीं कौन कौन से इसके अंदर इलाके आते हैं, सब में ऐसा तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन तकरीबन कह दिया जाता है कि सिंध के अंदर ये रस्म मौजूद है। तो इसी तरह ये जो बातें कह दी जाती है ना कि मतलब
अरब जिन्ना दरबार किया करते थे या फरिश्तों को बेटियां समझते थे, तो ये सारे के सारे अरब ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अरब के कुछ इलाकों में लोग ऐसे होते थे जो ये अकायद वगैरह रखा करते थे, तो अल्लाह ताला उनका रद्द करते थे। इसी तरह यहाँ पर भी जो बाजे ऐसे थे जो जिन्नात को जो है वो मकाम देते थे, उनको जो है वो पूछते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब बियाबान वगैरह में सफर करते थे तो कहते थे कि हम इस जंगल का जो इस जो वीरान जगह के जो सबसे बड़ा जिन्न है हम उसकी पनाह में आते हैं। इसी तरह फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे, तो वो जो इनको जो कहते हैं उनकी तरदीद फरमा रहे हैं कि इन जिनको तुम माबूद समझते हो ये तो खुद अल्लाह का जो है वो कुर्ब का बहाना ढूंढते हैं, रास्ता ढूंढते हैं कि किस तरीके से हम अल्लाह के करीब हो जाएं, ठीक है, और वो अल्लाह की रहमत की उम्मीद करके और उसके अजाब से डरते हैं। वो तो खुद अल्लाह को माबूद अपना समझते हैं, उनकी तो खुद का ही हालत है, तो तुम उनको माबूद समझते हो तो तुम्हें तो बतरीके ओला, ठीक है, तो तुम्हें तो बतरीके ओला अपने रब का कुर्ब का वसीला ढूंढना चाहिए और उसको बराह रास्त अल्लाह ताला से क्या पूछा वो मांगना चाहिए। इस आयत में इस पैराए के जरिए से उनके माबूदा ने बातला की तरदीद की गई। وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ, मैंने पहले भी ये बतलाया था कि इन हर्फ शर्त अगर के माना में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर इसके बाद हर्फ इल्ला इस्तिस्ना का आ जाए तो ये नफी के माना में होता है। وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا, और नहीं है कोई बस्ती, وَإِن مِّن قَرْيَةٍ, और नहीं है कोई बस्ती, इल्ला नहनु मुहलिकुहा, मगर हम उसको हलाक करने वाले हैं। वहीं मिन करियतिन, और नहीं है कोई बस्ती, इल्ला नहनु मुहलिकुहा, मगर हम उसे हलाक करने वाले हैं, क़ब्ल यौमिल क़ियामती, क़ियामत के दिन से पहले, औ मुअज़्ज़िबुहा, या हम उसे अज़ाब देने वाले हैं, अज़ाबन शदीदा, सख्त अज़ाब, कान ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, ये बात फिल किताबी किताब के अंदर मस्तूरन लिखी हुई है, ये बात किताब के अंदर लिखी हुई है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना एक ज़ाब्ता बयान फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला का ये आदत रही है, अल्लाह ताला की सुन्नत रही है, तरीका रहा है ये कि अल्लाह ताला कुफार को जब उनको डराने के लिए, उनको उनके कुफर से बाज रखने के लिए अम्बिया को भेजते हैं, तो अम्बिया की बात बराह रास्त ना मानने वाला, ठीक है, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी अजाब और सजा देते हैं और आखिरत में भी सजा देते हैं। यानी कुछ तो वो है ना कि जिनको अम्बिया के जरिए, जैसे हम लोग आजकल मौजूद हैं, हम हमारी तरफ बराह रास्त नबी मबऊस नहीं हुए, हम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैगाम पहुँचे हैं, ठीक है, हम उन पैगाम के जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को और आखिरत के दिन को अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं। लेकिन जैसा कि कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में, और इसी तरह वो यहूद और नसारा जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में थे, जो बराह रास्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुखातब थे, इसी तरह इससे पहले भी जितने भी उम्मतें थी जिनके जिनको डराने के लिए अम्बिया बज़ात खुद तशरीफ़ लाए, बराह रास्त उनको अल्लाह ताला के पैगाम सुनाए, तो वो जो नहीं मानता था ना उनमें से, अल्लाह ताला का ये सुन्नत रहे, अल्लाह ताला का ये कायदा रहा है कि अल्लाह ताला ने उनको फिर दुनिया में भी आज़ाब का जो है निशाना बनाया, उनको इबरत का निशान बनाने के लिए दुनिया में भी आज़ाब दिया और आखिरत में भी आज़ाब देंगे। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि वही मिन करियतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा, कि अभी मौजूदा बस्तियों में से कोई ऐसी बस्ती नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उसको हलाक करेंगे, या हलाक करेंगे या उसको सख्त आज़ाब देंगे, कान ज़ालिका फ़ी किताबि मस्तूरा, ये किताब में लिखा हुई, किताब से मुराद तकदीर की किताब में, अल्लाह ताला ने तकदीर जो लिखी है इंसान की और कायनात की उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, यानी ये अल्लाह का तरीका है। ऐसा ही हुआ फिर कुफार मक्का, अजाब की शक्लें मुख्तलिफ होती नहीं है, सबके ऊपर अजाब का आना ये एक तरह का नहीं रहा, मतलब अल्लाह ताला ने कुछ कौमों को जो है वो ज़मीन में जिंदा दरबार कर दिया, उनको ज़मीन में धंसा दिया, और कुछ के ऊपर जो है वो अजाब की सूरत में तेज़ हवाओं को भेजा, और कुछ के ऊपर जो है वो तेज़ चीख थी जिनकी वजह से उनके कलेजे फट गए, तो अजाब की सूरतें मुख्तलिफ होती रही थी, कौम फिरौन को पानी के अंदर जो है डुबा कर अल्लाह ताला ने उनको अजाब किया, तो अल्लाह ताला का अजाब देने का तरीका और उसकी शक्ल बदलती रही, हर एक के ऊपर एक तरह का अजाब नहीं आया।
कुफारे मक्का जो थे इनके ऊपर भी आदाब आया, और आदाब की सूरत वो ये थी कि قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो मुखातबीन थे उनको अजाब की सूरत ये थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया قاتلوهم कि तुम इनसे किताल करो, يعذبهم الله بأيديكم, अल्लाह ताला इन्हें तुम्हारे हाथों के जरिए अजाब देगा। तो मुसलमानों की तलवारों के जरिए से कुफार जो मौत के जो है वो उसके मौत का शिकार होते रहे, तो अजाब की सूरत अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया में ये जारी फरमाया। ये फरमाने कि कोई बस्ती भी ऐसी नहीं है मगर उसको हम हलाक करेंगे क्यामत के दिन से पहले, और मुआज़िबुहा अज़ाबुन शदीदा, यह हम उसे अजाब देंगे दर्दनाक सख्त अजाब। कान ज़ालिका फ़ी किताबिन मस्तूरा, और ये बात किताब में लिखी हुई है। وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَمَا مَنَعَنَا, और नहीं रोका हमें, मा नाफिया है कि इसका मतलब है नहीं, मना रोका ना हमें, नहीं रोका हमें, अन नुर्सिला बिल आयात, इस बात से अन नुर्सिला बिल आयात कि हम निशानियां भेजें, नहीं रोका हमें इस बात से अन नुर्सिला बिल आयात कि हम निशानियां भेजें, इल्ला अन कज़्ज़बा बिहल अव्वलून, मगर इस बात ने, यानी हमें और किसी बात ने नहीं रोका, इल्ला अन कज़्ज़बा, मगर इस बात ने रोका, कज़्ज़बा बिहल अव्वलून, झुटला दिया था उनको अव्वलूना पहले लोगों ने, वमा मनअना, और नहीं रोका हमें इस बात से कि हम आयात को भेजें, इल्ला अन कज़्ज़बा बिहल अव्वलून, मगर इस बात ने कि झुटलाया था इन निशानियों को पहले लोगों ने, वह आतैना समूद अन्नाकता मुबसिरतन, और दी थी हमने तो हमें समूद को अन्नाकता ऊँटनी, मुबसिरतन जो आँख खोल देने वाली थी, मुबसिरतन के लुगवी माना दिखलाने वाली, मुराद इससे आँख खोल देने वाली, फ़ज़लमू बिहा, बस उन्होंने उसके साथ जुल्म किया, वमा नुर्सिलु बिल आयात, और हम नहीं भेजते निशानियाँ, इल्ला तख़वीफ़ा, मगर डराने के लिए। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला जो है वो फरमाइशी मौजज़ात के बारे में ज़ाब्ता बयान फरमा रहे हैं। वैसे तो अल्लाह ताला ने निशानियाँ भेजी थी, यहाँ पर कह रहे हैं ना कि हमें निशानियाँ भेजने से और किसी बात ने नहीं रोका, मगर इस बात ने रोका कि जब भी हमने निशानियाँ भेजी हैं तो लोगों ने उनका इनकार कर दिया, पहले वाले लोगों ने भी उसका इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर मुतलकन आयात और मौजज़ात का जिक्र नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आयात से मुराद निशानियाँ यानी मौजज़ात हैं। फिर के आदत जो वाक़ियात होते हैं उनको अल्लाह ताला कुरान पाक में आयात में जिक्र कर देते हैं, ठीक है, उर्दू में वैसे इनको मौजज़ात कहा जाता है। तो इससे मुराद यहाँ पर जो नफ़ी की जा रही है वो फरमाइशी मौजज़ात की है। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौजज़ात ज़ाहिर किए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर शक्के कमर का हो गया, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाथ के अंदर जो कुछ होता था, ठीक है, अबू जहल का वाक्य आता, उसके हाथ में कुंकरियाँ थी, उसने पूछा बताओ कि मेरे हाथ में जो कुछ होगा तो अगर सही बता दो मैं तुम्हारी बात को पूरी कर दूँगा। उसके हाथ के अंदर से जो पत्थर बोल पड़े थे, उसने कहा तुम तो बहुत बड़े जादूगर, उसने इनकार कर दिया, तो उसने भी इनकार कर दिया। तो इसी तरह ये कुफारे मक्का ना मुख्तलिफ लोगों के ऊपर जो है ना तरह तरह के फरमाइशी मौजज़ात करते थे, अच्छा अगर तुम अल्लाह के रसूल हो तो ऐसे करके दिखा दो, अच्छा तुम अल्लाह के रसूल हो तो वैसे करके दिखा दो, अच्छा अगर तुम अल्लाह के रसूल हो तो इस तरह करके दिखा दो। ये मतलब फरमाइशी मौजज़ात, मानना मूनना उन्होंने होता कोई नहीं था, लेकिन वैसे ही जो है वो तंग करने के लिए या वैसे ही आजमाने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है, वो इस तरह के फरमाइशी मौजज़ात रखा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे फरमाइशी मौजज़ात को ज़ाहिर नहीं फरमाते थे, मतलब वो उनका मुतालबा हो कि जी ये ऐसे कर दो, तो अल्लाह ताला ने ऐसे किसी मौजज़े को उनकी फरमाइश को पूरा नहीं किया। तो इस आयत में फरमाया कि हम इस तरह के निशानात क्यों नहीं भेजते, क्योंकि हमने इस तरह के निशाना तो कौम समूद ने भी फरमाइशी मौजज़ा मांगा था, और उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि वो सामने पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर से जो है ना एक ऊँटनी उसको निकाल कर दिखाएं, और वो ऊँटनी जो है ना साथ सिर्फ निकले ही नहीं फौरन बच्चा भी जमे, ठीक है, तो तब हम आपको जो है वो अल्लाह का नबी मानेंगे। तो कौम समूद इस आयत में भी यहाँ पर तस्करा है, सालेह अलैहिस्सलाम ने जो है वो दुआ की
तो ऊंटनी पहाड़ के अंदर से निकली और उसने बचा भी जाना, ठीक है। लेकिन कौम सूद ने फिर भी उसके ऊपर ईमान नहीं लाए और उसको जो है वो ऊंटनी के साथ जुल्म का शिकार, उनको जुल्म किया, उसके पाँव वगैरह काट दिए, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब को नाफिर फरमाया। यही फरमा रहे हैं कि फरमाइशी मोजिजात को भेजने से हमें और किसी बात ने नहीं रोका, मगर यही बात है कि लोग इसको झुठला देते हैं, ठीक है। तो वह आते ही ना, फिर फरमा रहे कि वह आते ही ना समूद ना कहते, कि हमने कौम समूद को जो है वो भी ऊँटनी दी, उनको भी ऊँटनी दी थी जो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी थी, लेकिन उन्होंने उसके साथ जुलम किया। वमा नुरसिल बिल आयात इल्ला तख्वीफा, और हम तो निशानियां डराने के लिए भेजते हैं। अच्छा जी, वइज कुलना लका इन्ना रब्बका अहाता बिन्नास वमा जअलना रुयल लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास वश्शजरतल मलऊनत फिल कुरआन वनुखौफिफुहुम फमा यज़ीदुहुम इल्ला तुग्यानन कबीरा। वइज कुलना लका, और जब हमने आपसे कहा, वइज कुलना, और जब हमने लका आपसे कहा, इन्ना रब्बका अहाता बिन्नास, बेशक तेरा रब अहाता बिन्नास, अहाता किए हुए हैं लोगों का। वइज कुलना लका, और जब हमने आपसे कहा, इन्ना रब्बका अहाता बिन्नास, बेशक तेरा रब अहाता किए हुए हैं लोगों का। वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास, और नहीं बनाया था हमने और रुया उस नज़ारे को, अल्लती अरैनाका, जो हमने आपको दिखलाया, और नहीं बनाया था हमने और रुयल्लती उस नज़ारे को, अल्लती अरैनाका, जो हमने आपको दिखलाया था, इल्ला फितनतन लिन्नास, मगर आजमाइश लोगों के लिए। हमने उसे और कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ आजमाइश बनाया था, लिन्नास, लोगों के लिए। वश्शजरतल मलऊनत फिल कुरआन, और उस दरख्त को भी हमने आजमाइश बनाया था, अल मलऊनत फिल कुरआन, जिसके ऊपर लानत की गई है कुरआन के अंदर। वनुखौफिफुहुम, और हमने उनको डराया था उस दरख्त के जरिए से। फमा यजीदुहुम इल्ला तुग्यानन कबीरा, बस नहीं ज्यादा किया इस बात ने हम इन काफिरों को, इल्ला तुग्यानन कबीरा, मगर बड़ी सरकशी के। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी कि फरमाइशी मौजज़ात, जैसे वो मांगा करते थे ना अल्लाह ताला का, कि फरमाइशी मौजज़ात हम इसलिए नहीं भेजते कि लोग मानते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए अब आगे फिर उसकी दो मिसालें भी जिक्र की, एक तो वो वाक़िया मेराज और रुयल्लती अरैना का, वो नज़ारा जो हमने आपको करवाया था, यानी अल्लाह के जो हम शुरू में सूरह इसरा में बनी इसराइल के अंदर बिल्कुल शुरू में सुभान अल्लज़ी असरा भी आप जी पढ़ के आ चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो मेराज की रात जो है वो पहले मक्का से जो है वो मस्जिद अक्सा तक गए, फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों तक गए, और वहाँ पर उसके आलम बाला की सैर करके वापस आए। तो ये फरमा रहे हैं कि वो जो हमने आपको नज़ारा करवाया था ना, ये हमने लोगों के लिए आजमाइश रखी थी, और उसका नतीजा क्या निकला, लोगों ने झुटला दिया। वही सीरत के वाक़यात में मजकूर है ये रिवायत, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब उस मेराज की रात से अगली रात लोगों को बतलाया कि मैं एक रात के अंदर जो है मस्जिद अक्सा से भी होकर आया हूँ और आसमान बाला की भी सैर करके आया हूँ, तो कुफारे मक्का जो है वो हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उनके दौर में तो ये, बल्कि आजकल के दौर में भी बाईद है अक्ल से कि एक इंसान एक ही रात के अंदर वो जो है वो फलस्तीन, मक्का से फलस्तीन का सफर करके वापस भी आ जाए, ठीक है। क्योंकि उनको तो ऊँटों पे जो है वो महीने लग जाते थे, तो ये कह रहे थे, अल्लाह के नबी फरमा रहे थे कि मैं एक रात के अंदर ये सफ़र करके आया, तो इसलिए वो जो है ना झुटलाने लगे। तो लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो करके आया, मैंने देखा। तो उन्होंने कहा, अच्छा फिर बतलाएं, अगर आप गए हैं वाकई फलस्तीन, तो बतलाएं कि मस्जिद अक्सा के कितने दरवाजे हैं, कितने उसके वो दाखिल रास्ते, कितनी खिड़कियाँ हैं, वरना और इस तरह के अहवाल पूछने लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो सारी सारी बातें बिल्कुल बिल्कुल ठीक बता दी, ठीक। तो जिससे इसको इनको मान लेना चाहिए था कि हाँ वाकयातन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक रात के अंदर अंदर उस जहाँ का उस जगह का नज़ारा करके आए, ठीक। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना, उन्होंने फिर भी इसका इनकार कर दिया। तो ये फरमा रहे कि वो जो इसरा का जो वाक़या था,
वो हमने आजमाइश के तौर पर ही बनाया था, आजमाइश ही बनाई थी लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने इसको देखने सुनने और जानने के बावजूद इस पर ईमान नहीं लाए और इसका इनकार कर दिया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत से पिछली आयत में फरमाया कि हमने, मतलब ये जो ये वाली आयात है पिछली वाली आयात की मजीद वजाहत है, ठीक है, कि हम फरमाइशी मोजज़ात क्यों नहीं दिखलाते, क्योंकि लोग इनकार कर देते हैं। अच्छा जी, फमा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा, बस नहीं ज्यादा किया इस बात ने उन काफिरों को इल्ला तुग़यानन कबीरा मगर बड़ी सरकशी के एतबार से, यानी उनमें इसका असल में अरबी उसलूब है। ये मेरी कोशिश ये होती है कि आपको मुगवी तर्जमा करवाता जाऊँ ताकि आपको एक एक लफ्ज़ का पता चले। मुरादी तर्जमा कर दें तो फिर उसमें ये पता नहीं चलता किस लफ्ज़ का क्या तर्जमा किया गया है, ठीक है। तो मुराद इसका मतलब ये कि इस बात ने उनकी सरकशी में इजाफा ही किया। फरमाए यज़ीदुहुम, बस नहीं ज़्यादा किया उनको इल्ला तुग़यान कबीरा मगर बड़ी सरकशी के अंदर। तो मुराद इसका ये कि इस बात ने उनकी सरकशी में इजाफा ही किया। वाइस कुलना लिल मलाइकति इस्जुदु लि आदम फसजदु इल्ला इबलीस क़ाल अअस्जुदु लिमन ख़लक़्त तीना, और जब हमने कहा फरिश्तों से उस्जुदु लि आदम, सजदा करो आदम को, फसजदु इल्ला इबलीस, पर सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस सिवाय इबलीस के। क़ाला, उसने कहा अअस्जुदु लिमन ख़लक़्त तीना, क्या मैं सजदा करूँ उसको, लिमन उसको, ख़लक़्त तीनन जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया। इस वाक्या का ये वही वाक्या है जो पहले पारे के अंदर हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने जो है फरिश्तों को और इबलीस को, शैतान को जो है वो सजदा करने का कहा। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो सब ने सजदा किया था लेकिन इबलीस ने इनकार कर दिया। ये वही वाक्या, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, ये हम पहले पारे के अंदर बिल्कुल उसमें पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पर सिर्फ अब तर्जमा करूँगा। और कुल्ला लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम, और जब हमने कहा फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को, फसजदु इल्ला इबलीस, तो सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। क़ाल अअस्जुदु लिमन ख़लक़्त तीना, तो उसने कहा क्या मैं उसको सजदा करूँ जिसे आपने मिट्टी से पैदा किया। इस जुमले के अंदर जो है ना तकब्बुर और कहते हैं इंसानियत को जो है ना वो तहकीर है इसमें, यानी क्या कहते हैं, मैं आग से पैदा हुआ हूँ, मैं तो बुलंद बाला हूँ और उसको मैं सजदा करूँ जो मिट्टी से पैदा हुआ है, तो लिहाजा मैं सजदा नहीं करता। अगले जुमले में फिर मजीद हकारत का इजहार करते हुए قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احتنكن ذريته الا قليلا, शैतान ने कहा ارايتك هذا الذي كرمت, क्या ارايتك, यहां पर अच्छा ارايتك, क्या आप इसको देखते हैं, هذا الذي ارايتك, क्या आप इसको देखते हैं, هذا الذي كرمت عليه, ये है वो जिसको आपने मुझ पर इज्जत बख्शी। क़ाला, शैतान ने कहा अरअयता, क्या आप देखते हैं, हादल्लज़ी, इसको, अल्लज़ी करमता अलैया, जिसे आपने मुझ पर फजीलत दी, करमता, करम युकर्रिमु तकरीम, इज्जत देना, लइन अख़्खरतनी इला यौमिल क़ियामा, अलबत्ता अगर आप मुझे मोहलत दें, लइन अख़्खरतनी, अगर आप मुझे मोहलत दें, इला यौमिल क़ियामती, क़ियामत के दिन तक की, लअहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु, तो मैं इसकी औलाद को लगाम डालूं, लअहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु, तो मैं इसकी औलाद को लगाम डालूंगा, इल्ला क़लीला, सिर्फ चंद को छोड़कर, इल्ला क़लीला, सिर्फ चंद लोगों को छोड़कर। यहाँ पर मजीद हकारत, अल्लाह ताला ने फरमाया था ना इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि मैं अपना नायब बनाने वाला हूँ जमीन में, इंसान को पैदा किया, तख्लीक फरमाए, तो शैतान कह रहे हैं कि आप इसको इतना इज्जत और मर्तबा दे रहे हैं मेरे खिलाफ, मेरे ऊपर, ये तो ऐसा है कि अगर आप मुझे मोहलत देना तो मैं इन सब को ऐसे लगाम डालूं कि ये मेरे आपकी बातों को मानने के बजाय ये मेरे गुलाम बनकर रह जाए, दाख्तानी करना जरूरी है, तो कि मैं इनकी औलाद को लगाम डालूँ। लगाम डालने का मतलब जैसे जानवर वगैरह को लगाम वगैरह डाली जाती है, तो फिर लगाम जिसके हाथ में होती है वो जानवर उसके काबू में होता है। ये कह रहा था कि शैतान ने कि आप इसको मेरे ऊपर फजीलत दे रहे हैं, ये तो ऐसा है कि अगर आप मुझे मोहलत दें तो मैं इसको ऐसा कर दूं कि ये आपकी मानने के बजाय मेरा गुलाम बनकर रह जाए, ठीक, हाँ, इल्ला कलीला, सिवाय चंद लोगों के,
हो सकता कुछ लोग मेरे उस पे दाव पेच में ना आए, लेकिन अक्सरियत को मैं इनके ऐसे करके रहूंगा। तो इसमें भी मजीद हकारत का उसने इजहार किया, और तकब्बुर की वजह से। मैंने कहा मैं बहुत ही बुलंदोबाला और आला हूँ, और ये इंसान मुझसे जो है कमतर है, तो आप इसको मेरे ऊपर क्यों फजीलत दे रहे कि मैं इस जो है वो हकीर को, इस मखलूक को जो है वो सजदा करूँ। ये ऐसी मखलूक है जिसको मैं आपसे जो है वो काट कर अपने पीछे लगा सकता हूँ। तो जो ऐसी हकीर मखलूक हो जो अपने खालिक को फरामोश कर देने वाली हो, जिसकी ये सिफत हो, तो आप उसको मुझे सजदा करने का क्यों कह रहे हैं? ये उसने तकब्बुर की वजह से किया था। قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا। अल्लाह ताला ने फरमाया اذهب, चला जा, ठीक है चला जा। فمن تبعك منهم, बस जिसने पैरवी की, तबिया का, जिसने पैरवी की, काजमीर खिताब की तेरी, मिनहुम इनमें से, فإن جهنم جزاؤكم जजा अन मौफूरा, तो बस बेशक जहन्नुम तुम्हारा बदला होगा, बस बेशक जहन्नुम जजा हुकुम तुम्हारा बदला होगा, जजा अन मौफूरा वाफर बदला, पूरा पूरा। इन्ना जहन्नम जजा हुकुम जजा अन मौफूरा, तो बस बेशक जहन्नुम तुम्हारा बदला होगा, पूरा पूरा बदला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी फरमाया, फिर उसने मोहलत मांगी थी ना, कि ये मजमून यहाँ पर इन अल्फाज के साथ है, तो दूसरी जगहों पे जो है ना कि दूसरे उसमें अल्फाज अंजिरनी के साथ है, इला अंजिरनी इला यौम युबासून, कि मुझे क्यामत के दिन की मोहलत तक मोहलत दें, मैं इनको जो है ना आपके खिलाफ भड़काऊंगा और इनको आपके खिलाफ करूंगा और आपको इनको सीधे रास्ते से हटा दूंगा। इला इबादक मिनहुम मुखलसीन, हाँ सिर्फ आपके जो मुखलिस बंदे होंगे उन पर मेरा जोर नहीं चलेगा। इसी मजमून को यहाँ पर दूसरे अल्फाज में बयान फरमाएगा। तो जब उसने शैतान ने मोहलत मांगी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी उसको मोहलत दी और फरमाया इज़हब, ठीक है चले जाओ, तुम्हें मोहलत है। फमन तबिया का मिन हूँ, फमन तबिया का मिन हूँ, तो बस जो कोई तुम्हारी पैरवी करेगा इनमें से, फ़इन्ना जहन्नम जज़ा हुकुम जज़ा अन मफूरा, तो जहन्नम तुम सबका बदला होगी, पूरा पूरा बदला। यानी कि जो शैतान की पैरवी करेगा, तो शैतान के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके पैरोकार इंसानों को भी जहन्नम में डालेगा। चलें बस आज का सबक यहाँ तक ही करते हैं। सबक सबक के हवाले से कोई बात पूछनी हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो सवाल कर सकते हैं।